नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम PF अकाउंट में ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ई नॉमिनेशन करने के लिए कौन कौन सी डिटेल पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका वो नंबर जो कि आपके आधार के साथ लिंक्ड है वो भी आपको पता होना चाहिए, और एट अ टाइम ऑफ नॉमिनेशन वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं होगा तो उसके लिए आपको आपके एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके अलावा जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो आपको उसका आधार नंबर पता होना चाहिए और उसका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और, आप एक ही टाइम पर एक या एक से ज़्यादा लोगों को अपना नॉमिनी बना सकते हो और अपने EPF के अमाउंट को उनमें परसेंटेज वाइज शेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अपने फ़ोन या लैपटॉप में गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है EPFO। EPFO सर्च करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है और यहाँ पर आपने राइट साइड में आके ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे UAN नंबर और पासवर्ड पूछा जाएगा, वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है और यहाँ पर साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर भी आपको ई नॉमिनेशन के लिए अलर्ट दे रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे लेटर पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने जाना है मैनेज में। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है ई नॉमिनेशन पे। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है अनेबल टू प्रोसीड, प्लीज़ अपलोड योर प्रोफाइल फोटोग्राफ, और आगे उन्होंने दिया कि मेनू में जाके आपने व्यू पे क्लिक करना है और फिर जाना है प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो ई नॉमिनेशन होने से पहले आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले व्यू पे जाएंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो मेंबर है उसका फोटोग्राफ नहीं है और इसके अलावा परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस ये भी मिसिंग है। तो पहले हमें यहाँ पर प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम फर्दर ई नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल पहले से कंप्लीट होगा तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोटोग्राफ और एड्रेस डाल लेते हैं। यहाँ पर जो आपने फोटोग्राफ अपलोड करना है उसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। इसके अलावा इसके जो डायमेंशन है वो 3.5 to 4.5 होने चाहिए, लेकिन अगर डायमेंशन इससे ज़्यादा या कम है तब भी वो इजीली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हम अपडेट कर लेते हैं यहाँ पर इनका एड्रेस। इसके अलावा यहाँ लिखा है करंट एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस, तो हम यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद सेम एड्रेस करंट एड्रेस में आ जाएगा। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे सबमिट पे। तो यहाँ आ चुका है एड्रेस सेव्ड सक्सेसफुली, तो हम वापस अब चल जाएंगे होम पे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने ई नॉमिनेशन की प्रोसेस को। तो इसके लिए आपने क्लिक करना है मैनेज पे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है ई नॉमिनेशन पे। जैसे ही आप ई नॉमिनेशन पे जाओगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है प्रोसीड पे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो ये आपसे फैमिली डिक्लेरेशन मांगेगा। यहाँ पर लिखा हैविंग फैमिली, तो आपने क्लिक करना है यस पे। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आएगा ऐड फैमिली डिटेल्स, जिसमें कि आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन, एड्रेस, गार्डियन, फोटो, ये ऑप्शंस आपको दिखाई देगी।
यहाँ पर आपने डिटेल्स डालनी है उस पर्सन की जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे डालोगे आधार, उसके बाद उस पर्सन का नेम। ध्यान रहे आधार नंबर पर जो नेम होगा वही आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये भी सेम आपने आधार कार्ड नंबर वाली ही लिखनी है। इसका जेंडर, यहाँ पर नॉमिनी एक लड़की है तो यहाँ पर फीमेल आएगा। उसका रिलेशन, तो जैसे जिनका मैं नॉमिनेशन कर रहा हूँ जो नॉमिनी है वो उनकी बेटी है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉटर। और एड्रेस सेम एज मेंबर ही है तो हमने सेम एज मेंबर पे क्लिक कर दिया और अपने आप यहाँ पर एड्रेस आ गया। अगर जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो वो 18 साल से कम की उम्र का है तो आप यहाँ पे गार्डियन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में जो नॉमिनी है वो 19 ईयर्स की है तो इसलिए हम गार्डियन में कुछ ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर है फोटो जहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ पर आपने जो नॉमिनी होगा उसका फोटोग्राफ ऐड करना है। जब हमने क्लिक हेयर टू अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक किया तो यहाँ पर फोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस आई। सबसे पहले जो फोटोग्राफ का साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि फोटोग्राफ का साइज थोड़ा बड़ा या छोटा होने पर भी इजीली अपलोड हो जाता है। बस आपने ध्यान रखना है कि जो आपका फोटोग्राफ है वो लेस देन 100 KB होना चाहिए। तो उसके बाद आपने यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कर देना है और जो फोटोग्राफ होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप फोटोग्राफ को यहाँ से थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो और इसके बाद आपने क्लिक कर देना है प्रीव्यू पे। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे सेम फोटोग्राफ आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देगा, तो इसके लिए आपने क्लिक कर देना है अपलोड फोटोग्राफ पे और यहाँ पे आ रहा है आर यू श्योर टू अपलोड प्रीव्यूड फोटोग्राफ, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो हमारा फोटोग्राफ अपलोड हो चुका है और यहाँ पर आ गया है इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर नीचे आके ऐड रो पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप ऐड रो पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर फिर से आपने अब दूसरे नॉमिनी की डिटेल्स को ऐड करना है, क्योंकि हमारे केस में नॉमिनी एक ही है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। क्योंकि हमारी नॉमिनी की डिटेल्स फिल हो चुकी है इसके लिए अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद हमने क्लिक करना है सेव फैमिली डिटेल्स पे। इसके बाद आपकी फैमिली डिटेल्स सेव हो जाएंगी और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई देगा EPF नॉमिनेशन। यहाँ पर जिस पर्सन की आपने डिटेल्स ऐड करी है वो पूरी यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने EPF नॉमिनी सेट करना है तो इसलिए आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ शेयर का परसेंटेज लिखना है। अगर आपके पास एक ही नॉमिनी है तो यहाँ पर आपने लिखना है 100%, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो आप डिफरेंट परसेंटेज में टोटल अमाउंट का शेयर उनको दे सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सबका सम आना चाहिए 100। इसके बाद आपने करना है क्लिक सेव EPF नॉमिनेशन पे। इसके बाद आपकी नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी और यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई दे रहा है EPF डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है पेंडिंग नॉमिनेशन, तो पेंडिंग नॉमिनेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमें इसकी आधार वेरिफिकेशन करना बाकी रह गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नॉमिनेशन एंट्री टाइम जो कि हमने आज ही किया हुआ है 8 अप्रैल को 6:09 पे। इसके बाद व्यू के नीचे आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक PDF ओपन हो जाएगी जिसमें कि आपकी अपनी और जो नॉमिनी आपने सेट किया है उसकी डिटेल होंगी। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और वापस इसके बाद यहाँ पर एडिट ऑप्शन है, जिसको आपने नॉमिनी बनाया है आप उसकी डिटेल को एडिट कर सकते हो और इसके बाद एक ऑप्शन है ई साइन की और लास्ट में आप इस नॉमिनी को डिलीट भी कर सकते हो और दोबारा से किसी और को नॉमिनी सेट कर सकते हो। क्योंकि हमारे केस में डिटेल बिल्कुल ठीक है इसलिए हम अब क्लिक करेंगे ई साइन पे। ई साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हस्ताक्षर आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिखाई देगा जिस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है आधार बेस्ड ई ऑथेंटिकेशन, मतलब ये आपके आधार के थ्रू आपकी नॉमिनेशन को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रही है, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी एंड UI टोकन। आपने टिक करना है आधार नंबर को। यहाँ पर आपने जिसकी आप नॉमिनेशन कर रहे हो आप उसका आधार नंबर डालोगे और फिर उस आधार नंबर
से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक मैसेज आएगा, उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपने यहाँ पर एंटर करते हैं यहाँ पर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपने क्लिक कर देना है गेट ओटीपी पे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी यहाँ पे एंटर करने के बाद आपने इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका ई नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर लिखा है पीडीएफ साइंड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आपने सबसे ऊपर वाले ग्रीन डॉट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा नॉमिनेशन सक्सेसफुल और यहाँ से आप नॉमिनेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर ई नॉमिनेशन की पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है, तो इस पर जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर पहले आपकी डिटेल आएगी, उसके बाद जिसको आपने नॉमिनी बनाया फिर उसकी डिटेल आएगी। तो इस तरह से आपका ई नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।